आज हम बना रहे हैं ग्रीन चिली मलाई बूटी। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, बहुत लजीज रेसिपी बनती है। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, मैंने लिया है 1 kg चिकन। मेरे पास बोनलेस चिकन कुछ था और कुछ विद बोन था, तो मैंने दोनों ही ऐड कर लिया। वैसे इसके लिए बोनलेस चिकन यूज़ किया जाता है। 1/2 kg दही, 1 cup क्रीम, थोड़ा सा कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर, 1/2 tablespoon ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 teaspoon नमक, कुछ मैंने अनियन के स्लाइसेस लिए हैं और ग्रीन चिली को मैंने थोड़ा सा कट किया है गार्निशिंग के लिए। ग्रीन चिली मैंने ली है, मैंने 10 से 12 ग्रीन चिलीज ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली कर सकते हैं। और 1 cup लिया है मैंने ऑयल। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल में चिकन को फ्राई करेंगे और ग्रीन चिली का पेस्ट बना के ऐड करेंगे। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पैन में ऑयल डाला, अब हम इसे गर्म करेंगे और साथ में उसके थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। तो हीट से थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसके साथ ही उसमें चिकन ऐड करेंगे। अच्छे से इसे फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा गोल्डन शेड नहीं देना, ना ही बिल्कुल वाइट रखना है, बहुत प्यारा सा इसका शेड हम देंगे। इसे कुछ देर के लिए हम कवर करें। ये देखिए चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली का पेस्ट। मैंने पेस्ट बना लिया, उसका ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ में नमक ऐड कर देंगे। नमक अब आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए नहीं डाल रही हूँ कि मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर लूँगी। आप इसको मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रीन चिली में कुक होने से बहुत प्यारा सा कलर आता है, इसे हम कवर कर देंगे और ये पानी इसका खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। ये देखिए इस स्टेज पे अब हम इसमें ऐड करेंगे दही और क्रीम को ऐड करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर अभी से आ चुका है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे क्रीम। आज को बिल्कुल मीडियम कर लिया और फिर अब हम ऐड करेंगे दही। दही को मैंने हीट करके थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था इसमें। अब हम इसे मिक्स करेंगे और दही का पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे हम कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। लेकिन दही ने अपना पानी खुश्क कर लिया। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर भी मैंने सारी ऐड नहीं की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ इसे हमने मिक्स कर दिया। कुछ देर हम इसमें चम्मच चलाएंगे और उसके बाद इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे कवर करके, ताकि ऑयल सरफेस पे आ जाए। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर है आप वो भी ऐड कर सकते हैं।
ब्लैक पेपर पाउडर वो आपकी मर्जी है। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ रहा है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। हम इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल दम वाली आँच पे पकने के लिए रख देंगे। आइए हम चेक करते हैं। ग्रीन चिली मलाई रोटी रेडी है। हरी मिर्चों का कलर कितना खूबसूरत आया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। चलिए आइए हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ग्रीन चिली मलाई बोटी रेडी है। अब हम इसकी गार्निशिंग करते हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, आप अपने बैरूने मुल्क रहने वाले फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी आप मेरी रेसिपी शेयर कर सकते हैं। ये सबको बहुत पसंद आएगी, सिंपल मलाई बोटी से हटके ग्रीन चिली का टेक्सचर बहुत मज़े का आता है। थोड़ा सा कोरिएंडर ये स्प्रेड कर दूँगी। ये जी हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी।